हाई मॉर्निंग, और आप एक चेंज बैकग्राउंड देख रहे हैं मेरे पीछे, क्योंकि मैं झीलों की नगरी उदयपुर में हूँ। और ये दो दिन का ब्रेक था, 4 और 5 ब्रेक, इन द सेंस कि जब कोई खास डे टू डे काम नहीं हो रहे, तो इन्हीं समय में मैं, इन्हीं दिनों में मैं अक्सर ट्रैवल करता हूँ। और मैंने आपको हमेशा कहता हूँ कि बाय हार्ट आई एम अ करियर काउंसलर, बाय पैशन वी डू MBBS काउंसलिंग एज अ प्रोफेशन, करियर काउंसलिंग एज अ पैशन। एंड मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि एजेंट वर्क एज ए मजबूरी, कि जब जिन लोगों के लिए हम काउंसलिंग करते हैं और जिनको सीट नहीं मिल पा रही है अपने आप से कम बजट में, तो फिर हमें एजेंट का रोल भी अदा करना पड़ता है, स्पेशली थर्ड राउंड जब आता है। और चाहे काउंसलर हो चाहे एजेंट हो, काम हमें ट्रांसपेरेंटली करना होता है। और जैसे मैं हमेशा समझाता हूँ कि ऐसे काउंसलर हमारा काम होता है सही जानकारी देना, वैसे ही ऐसे एजेंट भी हमारा काम है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट डील नेगोशिएट करना। और इसलिए मैं झीलों की नगरी उदयपुर में आया हुआ हूँ, क्योंकि उदयपुर में आप जानते हैं टोटल 5 कॉलेजेस हैं, शायद इंडिया का वन ऑफ द फ्यू छोटा शहर, वो भी बेंगलोर में से कहीं ज़्यादा है, बट एक छोटे शहर में जहाँ एक सरकारी कॉलेज भी है बहुत फेमस, उसके अलावा भी 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ऑल ऑफ देम आर प्रिटी गुड। गीतांजलि अमेरिकन अनंता तो बहुत क्लासी कॉलेजेस हैं, और फिर 2 पैसिफिक हैं अलग अलग नाम से, PMCH और PMS, और सबके यहाँ अलग अलग चलते हैं। और अब जानते हैं राजस्थान राउंड 2 तक क्लोज स्टेट था, अब राउंड 3 में ओपन होगा बाहर वालों के लिए भी। तो थोड़ा सा और जानकारी फिलहाल दे दूँ जो कन्फ्यूजन से, तो इस बार राउंड 3 राजस्थान का भी ऑनलाइन है, क्योंकि कल परसों ना 3-4 कमेंट आए या बाकी एजेंट्स आपको कह रहे होंगे ऑफलाइन होने वाला है, इसलिए हम सीट की गारंटी देते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, जो कि 2022 तक 23 तक भी हुआ है, लास्ट ईयर भी राउंड 3 ऑफलाइन था, इस साल बिल्कुल भी नहीं है, 100% ऑनलाइन होने वाला है। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, और जब ऑनलाइन राउंड होता है तो सीट तो मेरिट से ही मिलती है, तो फिर आपका भी फ़र्ज है पूछना कि सर जब सीट मेरिट से मिल रही है, ऑनलाइन ही मिल रही है, तो फिर एजेंट वाला रोल क्या रह गया, या क्यों आप भी अपना समय खराब करके उदयपुर में बैठे हुए हो। देखिए, मैंने आपको कई बार बोला है कि शायद हिंदुस्तान में शायद पक्का 2 ही स्टेट हैं जो बैंक गारंटी मांगते हैं ब्रोशर में लिख के, वो भी राजस्थान और वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल के बारे में मैंने आपको अलग से वीडियो मैं बनाया था, बना दूंगा, उसका राउंड 3 आने वाला है, पर चूँकि राजस्थान बैठा हूँ तो ये वीडियो राजस्थान के लिए। तो राजस्थान के हर कॉलेज में 2 तरह की सीट होती है, और उसकी बहुत अच्छी बैकग्राउंड है, ये मुझे किसी कॉलेज के कोऑर्डिनेटर ने ही बताया था। तो देखिए, हिंदुस्तान में आप जहाँ जहाँ भी है, देखिए यूपी में तो है ही नहीं, वहाँ एक एक प्राइवेट कॉलेज की सीट, शिरा मूर्ति की बात करें, शारदा की बात करें, सबके लिए अवेलेबल है। मैंने जामुज के माइनॉरिटी कॉलेज का नाम नहीं लिया क्योंकि फिर वहाँ कन्फ्यूजन आ जाएगी। फिर उत्तराखंड प्राइवेट कॉलेजेस आ जाते हैं, हिमाचल है जिसमें स्टेट कोटा लगता है और आधी सीटें, और वो सस्ती भी होती हैं। सिमिलरली राजस्थान में क्या है, 85% सीटें बेसिकली स्टेट फीस की हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खाली राजस्थानी बच्चे को मिलेंगी, और 15% सीटें हैं वो मैनेजमेंट फीस की है, मतलब महंगी फीस। तो मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ, सस्ती फीस महंगी फीस ऐसे समझ लो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो नॉन राजस्थान है उसको स्टेट फीस वाली सीट नहीं मिल सकती, चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जनरली जो स्टेट फीसिस है उनका जो पैकेज है वो 1 CR 1.1 तक ख़त्म हो जाता है, तो राजस्थानी बच्चे नहीं छोड़ते हैं। बट मैं रिपीट करूँगा, दैट डजंट मीन बाहर वाले को नहीं मिल सकती। तो अगर आपके 300 नंबर है, मैं आपको एग्जाम्पल ले करूँ कि मेरी इस साल की भी गट फील कहती है कि आपको निम्स में एटलीस्ट स्टेट फीस मिल जाएगी, और स्टेट फीस उनकी 1/15 की पड़ती है, तो आपको राजस्थान में भी स्टेट फीस मिल सकती है। ये बेसिकली बस हाँ, तो वो जो कोऑर्डिनेटर वाला किस्सा था वो यही था कि कुछ साल पहले राजस्थान के प्राइवेट कॉलेज से पूछा गया कि आपको NRI सीट रखनी है कि मैनेजमेंट, तो उनको लगा कि NRI में भाई पेपर शेपर बनने के बहुत झंझट होते हैं बनने के या गाइड करने के, तो उन्होंने सिंपल रास्ता चुन के मैनेजमेंट सीट ले ली, वरना यही 15-15 सीटें NRI होती जैसे शायद हरियाणा में होती हैं या कर्नाटका में हैं या बंगाल में हैं या बिहार में हैं या बाकी सब जगहों पे हैं, ताकि हमें वो NRI की झमेलों में पड़ने की जरूरत ना पड़े। तो अब जब राउंड 3 आएगा, जब बाहर और आप स्टेट टू, मैंने हमेशा समझाया जहाँ स्टेट का दखल आ जाता है वहाँ कैटेगरी रिजर्वेशन भी आ जाती हैं, इसलिए आप इन सब कॉलेज में देखते हैं अनंता में, अमेरिकन में, निम्स में, JNU में स्टेट फीस के आगे हमेशा SC ST MBC सबकी अलग अलग सीटें भी होती हैं। अब राउंड 3 में क्या होगा, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग है, समझ लीजिए इसको भी, पहली बात तो ऑफलाइन नहीं है, ठीक, सब ने फॉर्म भरा, राजस्थानी भी भरेंगे, राजस्थान में कैटेगरी वाले भी भरेंगे, नॉन राजस्थानी भरेंगे,
सबसे पहले कंप्यूटर अंदर ही अंदर दो भागों में बांट देगा एक्सेल शीट को या डेटा को, जो मैं हमेशा समझाता हूँ, एक नॉन राजस्थानी एक राजस्थानी। तो आपने वो 11 नंबर चुना था जब आप फॉर्म भर रहे थे, और आपको पता है कि नॉन राजस्थानी तो अभी तो फॉर्म ही नहीं भर पाया है, तो राउंड तीन में हम भरेंगे। तो पहले वो राजस्थानी को प्रेफरेंस देगा राउंड तीन में भी अलॉटमेंट के लिए। अब उसमें भी सबसे पहले, अगर आपको जानते हैं कि सबसे पहले कैटेगरी वालों को सीट दी जाती है, तो वो उठाएगा कि अभी हम प्राइवेट के हिसाब से बात कर रहे हैं, वरना लॉजिक तो सरकारी के लिए भी चलेगा ना, क्योंकि राजस्थानी बच्चा तो सरकारी, और जो राजस्थान की सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं जिसको दिखा के बहुत फ्रॉड मचाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में कि हम आपको राजस्थान की सेमी गवर्नमेंट दिला देंगे 9 लाख रुपये फीस वाली, जो कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के बच्चों को ही मिल सकती है। एनीवे, तो प्राइवेट के एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो अब क्या होगा कि आप सबसे पहले कंप्यूटर, जैसे अनंता में अगर दो शेड्यूल कास्ट की सीट बची हुई हैं, मैंने अभी देखा नहीं है, जब सीट मैट्रिक्स आएगा तो वो देखेगा कि कितने शेड्यूल कास्ट हैं जिन्होंने अनंता मांगा है, और उनको मेरिट के हिसाब से दे देगा। बट ये पॉसिबल है कि शायद दो या एक या जीरो ने अप्लाई करा हो, तो वो सीटें अभी खाली रह गई। सिमिलरली वो MBC देखेगा, OBC देखेगा, पहले सारी कैटेगरी वालों की सारी लिस्टें ख़त्म कर देगा। स्टेट कोटा की भी बात हो रही है। सिमिलरली किसी SC ने अगर सीधे मैनेजमेंट मांग लिया, बहुत अच्छी बात है, राजस्थान में जब सब खत्म हो गए तो सब सीटों का वो जनरल सीट बना देगा कंप्यूटर स्टेट कोटा की, क्योंकि स्टेट कोटा की 80 की सीट थी ना। अब वो उठाएगा राजस्थान के जनरल कैटेगरी के बच्चे और उनको मेरिट के हिसाब से कॉलेज एलोकेट करता चला जाएगा। ख़त्म हो गया, अब वो उठाएगा, और अभी तक ऑलरेडी सारी सीटें जनरल बन चुकी थी, स्टेट वाली भी, और मैनेजमेंट सीटें में तो कोई कैटेगरी का रिजर्वेशन होती नहीं है। अब जब ये राजस्थान को अलॉटमेंट हो जाएगी, तब नॉन राजस्थानी उठाए जाएंगे मेरिट के हिसाब से, इंटरनल मेरिट, जिसकी ऑल इंडिया रैंक सबसे ज़्यादा है। मुझसे ये भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं अभी भी कि सर, अगर 5 बच्चों के नंबर सेम है तो किसको सीट मिलेगी? भाई नंबर सेम है, ऑल इंडिया रैंक सेम है, तो हम ना क्या डे टू डे भाषा में बोल देते हैं मार्क्स, हर चीज़ रैंक है। तो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से मेरिट बनती है, ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से इंटरनल मेरिट बनती है हर काउंसलिंग में। तो अब फिर कंप्यूटर नॉन राजस्थानी बच्चे उठाएगा ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से, और देखिएगा अभी नंबर वन ने क्या मांगा है। अब नंबर वन ने अगर अपनी फर्स्ट चॉइस रखी है अनंता स्टेट कोटा, और समझ लीजिए कि बाई चांस थर्ड राउंड में उस समय अनंता की 2 सीट खाली है स्टेट वाली, तो आपको मिल जाएगी। लेट से आपने नंबर टू पे रखा अमेरिकन स्टेट कोटा या गीतांजलि स्टेट कोटा, अमेरिकन स्टेट कोटा, और आपने सारे स्टेट कोटा रखे 1 से लेके 11 तक, या आप तो JIT भी आने वाला, तो 12 ही होंगे ना, 5 उदयपुर 2 जोधपुर 7 3 जयपुर 10 1 कोटा 11 और तांतीय 12 हो जाएंगे। अब तो 12 के 12 की स्टेट कोटा आपने भर दिए, कोई दिक्कत नहीं है सीट मैट्रिक्स देख के, नॉन राजस्थानी की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर 13वें नंबर पे आपने भरनी शुरू करी मैनेजमेंट सीट्स, बहुत अच्छी बात है। तो कंप्यूटर ऊपर से नीचे स्कैन करेगा तो आपको स्टेट सीट भी मिल सकती है। तो अगर कंप्यूटर ही सीट दे रहा है तो विवेक सर, आप भी क्यों राजस्थान में अपना समय ख़राब कर रहे हो या क्या डील करने गए हो? तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमें 3 जगह जाना पड़ता था। इस साल तमिलनाडु पौंडेचेरी में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि रिस्पांस बहुत अच्छा स्टूडेंट्स का, तो कोई ज़बरदस्ती डिस्काउंट क्यों देगा कोई कॉलेज, उसको तो पैसा कमाना है ना। बट चूंकि इन 2 राज्यों में बैंक गारंटी चलती है तो आपको पहले बात करनी पड़ती है, वरना पता चला आपका नंबर तो आ गया लेकिन आप बैंक गारंटी नहीं दे सकते तो आपकी वो आपको रिपोर्ट करने नहीं देंगे। तो बैंक गारंटी के मद्देनज़र बात करने पहले आना पड़ता है कि अगर मैं बैंक गारंटी नहीं दे सकता तो उसके बदले में क्या क्या कर सकता हूँ। जो इंसान बैंक गारंटी दे सकता है उसको किसी भी जगह किसी भी कॉलेज में पहले बात करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो बंगाल हो चाहे राजस्थान हो, ये भी मेरी तरफ से आप सुन लीजिए, ओके। लेकिन अगर बैंक गारंटी नहीं है तो पहले बात करनी है। अब ये जो 12 कॉलेज है, इनमें से कोई सिर्फ मैनेजमेंट सीट पर बैंक गारंटी ले रहा है, कोई स्टेट और मैनेजमेंट दोनों पर ले रहा है, और कोई किसी पर भी नहीं ले रहा है। तो सबसे फेमस कॉलेज महात्मा गांधी बैंक गारंटी नहीं लेता, तो इसी वजह 12 के 12 कॉलेज भी डिवाइडेड हैं। कौन है जो दोनों में लेता है, कौन है जो एक में लेता है एक में नहीं लेता, वो सब के सब हर कॉलेज की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और आप अगर आप बैंक गारंटी दे सकते, आप डील भी नहीं करना चाहते, तो वही कॉलेज भरिएगा जिसमें बैंक गारंटी नहीं मांगी गई है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि नॉन राजस्थानी को भी स्टेट फीस की सीट मिल सकती है अगर आपके मार्क्स ऊपर साइड पे हैं। जनरली होगा क्या अभी तक कि जनरली वो बच्चे ऑलरेडी कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके होंगे, तो जो भी पेशेंट से वेट कर रहा होगा उसको मिल सकता है, ओके। तो आई होप कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। राउंड 3 पक्का ऑनलाइन होने वाला है, नॉन राजस्थानी को भी स्टेट फीस वाली सीट मिल सकती है। पेड सीट राजस्थान की सिर्फ और सिर्फ राजस्थान डोमिसाइल वालों को मिलती है, क्योंकि वो सरकारी सीट का पार्ट माना जाता है। और कौन राजस्थानी
मेरी 612 नंबर की स्टूडेंट है, उस बेचारी को नहीं मिला अभी तक राजस्थान की पेड सीट, तो आपको 300-400 नंबर पे कोई कैसे दिला देगा। ओके, तो आई होप ऑल दिस थिंग्स विल हेल्प यू। और मैं दो दिन के लिए उदयपुर हूँ आज और कल, पर्पज़ यही है टू हेल्प माई स्टूडेंट्स जो फिलहाल रह गए, जिनको हम नॉर्मल काउंसलिंग से नहीं दिला पाए। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑल दी स्टूडेंट्स आर बिलो 320 मार्क्स, वरना जो भी इसके ऊपर था उसको ऑलरेडी कहीं ना कहीं अच्छा कॉलेज मिल चुका है। तो अब उन स्टूडेंट्स की हेल्प करनी होती है जिनको सीट नहीं मिली, तो वो बेचारे 10 के 10 लोग आए, तो हम एक जना आके उनके बिहाफ पे बात कर लेता है, उसके बाद वो आके अपनी डील्स क्लोज कर लेते हैं। इस तरीके से प्रोसेस चलती है, सेम ही बंगाल में चलता है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और इसी तरह से अब आपको ज़रूरत है यू नो विवेक गुप्ता एज ए काउंसलर की, या सैड टू से विवेक गुप्ता एज ए एजेंट की, सो फील फ्री टू कॉल अस ऑन 9643362320। लेकिन रूल्स और लॉजिक सेम ही रहते हैं कि इट्स अ फर्स्ट पेड कॉल ही होती है, बिकॉज आई डोंट लाइक टू वेस्ट टाइम विद पीपल हु आर टाइम वेस्टर्स। और फिर उस कॉल के बाद हम उन्हीं के लिए काम या ध्यान लगाते हैं जो हमारा पैकेज ले लेता है। ठीक है, कोशिश यस, हमेशा हम अपने हर बच्चों को सीट दिलवाई देते हैं, वो भी अच्छी सीट, ये नहीं कि ज़बरदस्ती की, और फॉल्स प्रोमिसज नहीं करते। मेरे पास तो कल परसों ही फ़ोन आया, 300 नंबर है जी, किसी ने जॉली ग्रांड प्रॉमिस कर दिया और जाके वो भाई साहब 10 लाख रुपये उसको देकर भी आ गए। तो इस तरह की चीज़ें हम डे वन पे ही नो कर देते हैं, आज भी नो है। और मैं रिपीट कर रहा हूँ, चाहे मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, सीट कंप्यूटर ही देगा, लेकिन सीट मिलने से पहले आपको ये बातें करनी पड़ती हैं। मध्य प्रदेश की क्यू कोटा में, MP की NRI सीट में, क्योंकि वो 50-50 लाख एलुअल का MRP लिखा हुआ है, तो आप बिना बात करे चले गए कॉलेज से, अगर लाओ 50 लाख रुपये के हिसाब से दे दो 4 साल की फ़ीस, फिर थोड़ा नेगोशिएट करोगे। और मध्य प्रदेश में आप 10 लाख रुपए डिपॉजिट देते हो, राजस्थान में 5 लाख रुपए देते हो, तो आप वो रिस्क नहीं ले सकते ना कि सीट मिल जाएगी तब बात कर लेंगे। अगर कॉलेज उस समय ऐट गया तो आपके तो 5 लाख या 10 लाख डूब गए मध्य प्रदेश वाले। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।